Good morning guys, welcome to Exam Hunter. So this is a BPSC mains answer writing practice classes. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि BPSC जो 66वीं मेंस होने वाली है उसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों. ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले भी ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट टुडे इज द 8th डे. यहाँ पर हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में करेंगे. और बता दूँ कि कल जो किए थे, कल का जो क्वेश्चन था उसका मॉडल आंसर आ जाएगा दोस्तों. तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर मॉडल आंसर उसका देते हैं. तो आप क्या करेंगे कि आप अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आपको टेलीग्राम में जाकर एग्ज़ाम हंटर को ज्वाइन करना है. उसके अंदर जाके डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर अपलोड करना है और वहाँ पर आपके क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों. ठीक है, तो आते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर. सी द क्वेश्चन इज राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट्स मूवमेंट इन बिहार विथ स्पेशल रिफरेंस टू स्वामी सहजानंद. ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है कि स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में किसान आंदोलन पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखे. ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब देखो फिर से बता देता हूँ. राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन पीजेंट्स मूवमेंट इन बिहार विथ ए स्पेशल रिफरेंस टू स्वामी सहजानंद. स्वामी सहजानंद के विशेष संदर्भ में बिहार में किसान आंदोलन पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखे. ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, अब एज यूजुअल इसको लिखना है और इसको लिखने के लिए आपको कितना समय चाहिए, 22.5 घंटा फर्स्ट. ठीक है ना, सेकंड ध्यान रखिएगा 3 से 4 पेज में हो. ठीक है ना, और वाइट पेज में हो. ठीक है ना, अब इसको लिखकर आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं दोस्तों. तो आज का यही क्वेश्चन है, मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन में. हैव अ नाइस डे दोस्तों.